गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई होमवर्क नहीं था? नो मैम। ओके चलो ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज? फर्स्ट लेक्चर कोई है क्या? चलो ठीक है। चलो क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। चलो x, ये x बाहर है ठीक है, equals to 0 and 43 raised to 1/5 y plus 1728 दिख रहा है ना आप? मैम वो एक्स भी करनी में क्या वो सारी रूट में? ये बाहर है, ये वाला एक्स जो है ये बाहर है। चलो बताओ। ये 243 है ठीक है, 343 नहीं 243 है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रहा मैम। शीतल मैम आप ना कॉर्ड्स घुमा के रखिए, शोल्डर से घुमाओ फिर उसको माइक जरा आपके मुंह के साइड में आ जाएगा। माइक नहीं चल रहा तो मैम आप नेट चला गया था इसके लिए नहीं आ रहा था, अभी आएगा। माइक थोड़ा घुमा के लीजिए ना वो शोल्डर से। क्लियर नहीं है क्या? मतलब वॉइस बहुत कम आ रहा है। अच्छा हेलो मैम। हाँ बोलो मैम। ते 5625 नहीं डिवाइड कर रहे थे ना? फाइव। हाँ
मैम मैं 1125 है x is less than y x is less than y अच्छा ठीक है और किसी का आ रहा है दोनों को कंपेयर करना है बस x का फाइंड आउट करो यहाँ पे वैल्यू y का फाइंड आउट करो दोनों को कंपेयर करो वैल्यू तो एक ही आएगा यहाँ पे x is greater than y x is greater than y अच्छा x is less than y less than y okay x का कुछ ज्यादा ही बड़ा डिजिट आ रहा है आने दो ना हमें उससे मतलब नहीं चलेगा हाँ मैम मग x is smaller than y अच्छा ठीक है फिर एक काम करो फिर इसको भी रूट में डाल दो फिर इसको भी रूट कर दो स्क्वायर रूट कर दो इसको भी 5625 अभी बताओ फिर x is less than y less than y आ रहा है अच्छा हाँ less than y ओके ट्वेंटी फाइव अंडर रूट है ये क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा एक्स एज इट इज आएगा 5625 किसका स्क्वायर है 75 सेवन इंटू एट क्या होता है 56 तो ये 75 हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो तो फाइव एक्स इक्वल्स टू क्या होगा माइनस क्या हुआ 5x equals to minus 75 हो जाएगा तो x equals to क्या होगा minus 75 divided by 5 5 into 1 और 5 into 5 ये हो जाएगा minus 15 अभी y में देखो ये क्या हो जाएगा 243 under root 5 हो जाएगा ये yes ma'am और y तो बाहर है y तो बाहर आएगा plus under cube root 17 मैम 53 इज अ 15 होगा ना उधर अच्छा नहीं 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 5 5 होगा ना दो बचेगा 25 बचेगा ना हाँ बराबर सॉरी अच्छा ये 243 x रेज टू 5 243 यही है मतलब यही पूछा आपको तो यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए 3 आएगा मैम 3 आएगा 3 रेज टू 5 होगा 243 तो 3 इंटू 3 इंटू ये पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 243 होगा 5 टाइम्स तो इसका आंसर डायरेक्टली 3 एंड y आएगा प्लस ये किसका क्यूब है 12 का है यहाँ पे होगा 12 इक्वल्स टू 0 तो 3y इक्वल्स टू माइनस 12 हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा ये डिवाइडेड बाय होगा माइनस 4 पे होगा माइनस 4 तो दोनों में से कौन सा बड़ा है y y आएगा मतलब x is less than y आएगा less than y कल आपको लेक्चर देखा काम आया मैम आज अच्छा हाँ वो 25 वाला बहुत इजी वो वाला बहुत इजी वो सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक है ये 5625 का अभी तक मैं निकाल ही नहीं पाता था अच्छा कोई भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो अभी लास्ट में 5 है लास्ट में 25 है किसी भी नंबर का कर सकते हो इसमें किसी को डाउट है रफ कर दूं यस मैम और सेकंड क्या सेकंड वाला फिर से रिपीट करो ना ये देखो 3 रेस टू 5 होता है 243 3 रेस टू 5 करेंगे ना तो उसका वैल्यू क्या आता है 243 ठीक है तो ये 243 यहाँ पे है तो आंसर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा y एज इट इज आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 और ये जो 172 है वो क्या किसका क्यूब है 12 का क्यूब है इसीलिए यहाँ पे क्या आया 12 आया और इक्वल्स टू 0 एज इट इज आएगा
थ्री वाई, यहाँ पे जाके माइनस होगा माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ठीक है, थ्री रेस टू फाइव क्या होता है 243 होता है, और 12 का क्यूब क्या होगा 1728 हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो मैम। इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या कुछ, मतलब 243 का मतलब 5 टाइम रेज करेंगे तो 3 कैसे आएगा आंसर ऐसा? देखो उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको 3 का क्यूब पता है, आप देखो देख के कभी कभी समझता है कि ना ये 3 का ही आएगा 243। हाँ लास्ट में देखो किसके किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। सबसे पहले ये देखोगे लास्ट में 3 किसके लास्ट में आएगा, जब 5 टाइम्स कोई भी नंबर हो छोटा ही नंबर आएगा क्योंकि 3 डिजिट है, किसी कोई भी वैल्यू को अगर 5 टाइम्स कर रहे हम ठीक है, 5 टाइम जब भी मल्टीप्लाई करते कोई भी वैल्यू को तो बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 डिजिट ही है, तो 3 डिजिट अगर 5 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 डिजिट में ही कोई ना कोई आंसर होगा। तो हम देखेंगे कि किसको लास्ट में 5 टाइम्स करेंगे जिसके लास्ट में 3 आता है, तो 3 को अगर 3 टाइम्स करेंगे लास्ट में 3 आ रहा है तो यहाँ पे 243 होना चाहिए। ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं, आपको देख के समझना चाहिए, अंदाजा आना चाहिए कि ये 3 होगा, फिर आप करके देखोगे कि 3 को 5 टाइम्स किया तो क्या होगा, 343 आ रहा है क्या, वो अंदाजा लगाना होता है यहाँ पे। और आपको इतना बड़ा वैल्यू नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे छोटा वैल्यू ही देंगे हमेशा, आपको इतना बड़ा नहीं देंगे, अगर 5 टाइम्स करना है ना तो ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं देंगे, वो छोटा छोटा ही वैल्यू देंगे। अगर 3 डिजिट में है तो सिंगल का ही होगा, सिंगल को ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ही 3 डिजिट आएगा। अगर 2 डिजिट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, अगर 3 डिजिट है तो यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल डिजिट में ही आंसर हो, तो करके देखोगे आप। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली देखना होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सा आ रहा है, फिर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि क्या वो वैल्यू आ रहा है लास्ट में। ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 14 फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 16। मैम ये वाला सिखाओ ना, ये नहीं आते। अच्छा और किस? यस मैम मैम हम ट्राई करते हैं भाई। अच्छा ठीक है मैम, फिर मैं नया x इज ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन है। अच्छा ठीक है चलो देखो यहाँ पे ना एक्स वाई एक ही इक्वेशन में है, यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन में है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो कोई भी एक वैल्यू लो इसी में से कोई भी एक वैल्यू, एक तो x को सेम कर दो, ये जो है x इसको सेम कर दो, या तो y को सेम कर दो, सबसे छोटे वाले वैल्यू को सेम करेंगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उन दोनों को सेम करेंगे। अगर यहाँ पे सेम करना है
तो इसको पूरा का पूरा अगर यहाँ पे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे y को, तो ये वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इन दोनों को सेम करना है। यहाँ पे टू है इन दोनों को, मतलब सिक्स बना सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री से, हाँ यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टू से करेंगे, इंटू टू से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे थ्री से करेंगे। तो एक को कर रहे तो बाकी सबको करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू टू 24x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू टू 6y हो जाएगा, 14 इंटू टू 28 हो जाएगा। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा देखो, 4 इंटू 3 12x, 3 इंटू टू 6y इक्वल्स टू 48। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दोनों जो y है वो सेम है, दोनों का दोनों सेम है। अब करेंगे माइनस, जब भी प्लस प्लस, प्लस प्लस में अगर इन दोनों को कैंसिल करना है तो क्या करना होता है, एक तो माइनस करना पड़ेगा ना। जब प्लस प्लस होगा इन दोनों में से किसी दोनों को भी कैंसिल करना है, कट करना है, कब होगा, जब प्लस प्लस होगा तो माइनस करेंगे तभी तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे एडिशन नहीं करेंगे हम, माइनस करेंगे, जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू माइनस करेंगे। 24x प्लस 6y इक्वल्स टू 28 लिख देंगे। ये वाला जो इक्वेशन है नीचे लिख दो, 12x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। अभी इन दोनों को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हम। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर रहे हैं तो जो भी साइन होगा ना यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लिखते, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लिखते, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे सब जगह पे प्लस है, इसके लिए नीचे क्या आया, माइनस आया। तो हम इस साइन को देखेंगे। मैम हाँ बोलो, मिडल का माइनस है क्योंकि हम लोग आपने एक बार फिर से बताइए, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सेम क्यों किया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल होगा तब हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं मैम ये नहीं, मतलब हम लोग माइनस की जगह प्लस भी तो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे मैम। हाँ हाँ देखो, प्लस सिक्स प्लस हो गया। मैम जैसे अभी इसका x की वैल्यू निकाल रहे हो, वैसे बाद में y की भी निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर x का आया ना तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे y का भी निकाल सकते हो, अगर y का निकल गया तो x का भी निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये चारों का है ना, किसी में भी कर दो। देखो अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता ना तो हम एडिशन ही करते, मतलब एडिशन मतलब जो है वो एज इट इज रखते, एडिशन मतलब जो है एज इट इज रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा, समझा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए तभी हमारा वाई का वैल्यू आएगा। देखो माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे 24 माइनस 12 कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि ये साइन देखेंगे अभी हम, ये साइन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ये देखेंगे 24x माइनस 12x कितना होगा, 12x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस 6y माइनस 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी यहाँ पे देखो माइनस, ये साइन बड़ा है, 48 बड़ा है तो माइनस ही आएगा साइन। 48 माइनस 28 कितना आएगा, 20 आएगा। x इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 12, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5। अभी इसको आप एज इट इज रखो या डिवाइड कर दो, दोनों भी चलेगा। या तो कितना आएगा यहाँ पे, 1.66।
1.66 आ रहा है. अच्छा 1.66 आ गया, एक का x का वैल्यू आ गया. अभी इसी में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ये देखो ये वाला जो छोटा है उसमें कर दो. ये देखो ये छोटा है इक्वेशन 4x + 2y. मैम जो नया इक्वेशन बनाया था उसमें पुट करेंगे या पुराने वाले में? नहीं किसी में भी कर दो आंसर आएगा. इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, हर एक में आंसर आएगा. किसी में भी कर दो आंसर सेम ही आएगा. देखो 4 × क्या हो जाएगा, -1.66 हो जाएगा +2y = 16. अभी ये 4 × -66 मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस आएगा आंसर. ये क्या हो जाएगा, -6.84 आ रहा है ना. +2y = 16. ये माइनस होगा या प्लस होगा बताओ. मैम 6 - 6.64 है. हाँ ये डिवाइड होगा ना. 6.64 कहाँ पे डिवाइड होगा? मैम वो जो आपने किया ना 4 × -6.64 आएगा. हाँ हाँ 6 आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 6 आएगा. सही है, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे जाके, डिवाइड नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ क्या है यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +6.64. तो 2y का वैल्यू क्या आ जाएगा 22.64. तो y का वैल्यू क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली 2 से 11.32. अभी देखो x और y में क्या क्या बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? x x बड़ा है, सॉरी सॉरी y y बड़ा है ना, x स्मॉलर देन y. देखो ये वाले ये जो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं ना इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसके लिए ये एग्जाम में प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे. अगर पूछा ना तो 1 मार्क्स का आएगा. अगर 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक है उसमें से आपको 1 मार्क्स का ये पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाता है. इसीलिए बाकी जो इक्वेशंस है उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम जाता है. इसके लिए ये 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं 5 में से, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आता है क्वाड्रेटिक का, तो वहां पे आपको 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं. अगर 3 आया ना क्वेश्चंस तो 3 में ये वाला नहीं पूछेंगे. अगर टोटल क्वेश्चंस ही 3 आया तो उसमें नहीं पूछते. अगर 5 आया तो उसमें हो सकता है पूछेंगे, नहीं तो ज्यादा नहीं पूछते ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे टाइम बहुत जाता है. मैम बट ऊपर बताया रहता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि क्या रहेगा. हाँ और आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा कि मतलब x ग्रेटर है या x स्मॉलर है वो बताओ. वो सब ऑप्शन आपको सेम ही रहेगा, ऑप्शन बस उल्टा फुल्टा करके दे देंगे ऐसा. इसमें किसी को डाउट है?
हो गया, रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम। फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू 21 एंड फोर एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू 11। अब x को सेम करो, मतलब थोड़ा सा तो छोटा वैल्यू मिलेगा। वैसे 6 और 5 है, यहाँ पे क्या करोगे, 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिक्स को 5 से और 5 को 6 से ना, 5 को 4 से कर दो और 4 को 5 से करो। 6 5 को करोगे तो भी चलेगा। X is greater than Y. X is greater than Y. X is greater than Y. सबका आया X is greater than Y? Yes, madam. Okay. X greater than Y. Greater than Y. Okay. X is greater than Y, ma'am. Okay. X is greater than Y. Greater than Y. Okay. Greater than Y. यहाँ पे करोगे multiply by 4 और यहाँ पे आएगा इनटू 5। और ये माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस नहीं कर सकते, दोनों का दोनों प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये कैंसल हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या बचेगा? माइनस वाई बचेगा। माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 29 आ रहा है, 29। लेकिन y equals to 29, minus y equals to 29 है, तो y equals to क्या होगा, minus 29 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा minus 29। मैं मेरा 39 आ रहा है, x का वैल्यू 39 है। मेरा भी 39।
29 आएगा मैम, दोनों का 29 आएगा ना, दोनों का एडिशन इक्वल 29 हां मैम 29 है हमारा बराबर 29 हां 29 ही आ रहे हैं वाई ओके देखो मैम मैंने ना एक्स का हां बोलो मैंने ना 5 से इनटू किया इक्वेशन 1 में तो इन लोग ने y को मैम सिमिलर किया इसके लिए उन लोग का 39 आ रहा है हां मैम सही हो जाएगा फिर आंसर सेम ही आएगा मतलब जो कंपैरिजन करोगे ना वहां पे सेम आएगा फिर x का हमारा 39 आ जाएगा फिर अगर 39 okay. आ रहा है तो आपका सही है ओके देखो 5x + 6y = 21 y का वैल्यू है -29 तो यहां पे x प्लस सिक्स इंटू क्या करेंगे -29 हो जाएगा इक्वल्स टू 21 तो 5x यहाँ पे होगा माइनस क्योंकि माइनस और प्लस यहाँ पे बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x इक्वल्स टू यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा मतलब दोनों का एडिशन 21 प्लस 174 5x equals to क्या आएगा 5, 9 and 1 तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 × 3 और 5 39 आ रहा है 39 मतलब सही है आपका x का वैल्यू सही है फिर y का आपका -29 आएगा -29 वैल्यू सेम ही आएगा कैसे भी करो x ही आएगा लेकिन ग्रेटर अच्छा ये करो ये हो गया हाँ यस मैम हो गया मैम हो गया आवाज नहीं आ रहा है एक सेकंड वैष्णवी आपको होस्ट बना दिया है गलती से आप सानवी 512 है ना उनको होस्ट बना दो मैम कैसे करनी है क्लिक करो सबसे पहले और बता दो सानवी के ऊपर क्लिक कर दो उधर से होस्ट हो जाएगा सानवी 512 के ऊपर क्लिक करो उधर ऑप्शन आएगा मेक होस्ट करके और उस पे होस्ट बन जाएगा फिर x^12/7 / 1616 = 49 हो गया ना 49 / x^2/7 उसके बाद है y^31/7 × y^4/7 × 9 = 324 x is less than y मैम हाँ 12/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर 1/7 रहता तो √√7 ये वैसे नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था ना कल मतलब कल ही लिया था ऐसा क्वेश्चन लिया था वहाँ पे देखो क्या किया था मैंने देखो पीछे जाओ पीछे
देखो मैम। ये m प्लस n वाला है क्या जो कल आपने लिया था, वैसा है? हाँ वैसा ही है। ओके ओके वैसा ही है। रेनू आपका आया था ना? यस मैम। क्या आया था आपका? x इज लेस देन y। अच्छा लेस देन y। ओके पक्का लेस देन ही आ रहा है। और किसी का आया? मैम वेट वेट हो रहा। ओके x is greater than y. greater than y. अच्छा ओके मैम x is greater than y. sorry x is less than y. less than y. अच्छा ठीक है। x is greater than y. greater than y. अच्छा और किसी का आया? मैम greater फिर से। अच्छा मैम x greater than y आएगा। greater than आ रहा है। यस मैम भी मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया था। का ग्रेटर आ रहा है। अच्छा और किसी का आ रहा आंसर? चलो मैं बता दूं चलो देखो x रेस टू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 7 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 16 equals to 49 divided by x raised to 2/7। अभी ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या लिखेंगे हम? x raised to 12/7 into x raised to 2/7 equals to 49 into 16। अभी देखो सबका आंसर कैसे चेंज होता है। x a raised to m
इनटू ए रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है बताओ? एक्स ए रेस टू एम प्लस एन, एम प्लस एन मतलब यहाँ पे क्या होगा 12/7 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 49 × 16। 49 × 16 कितना आया? 14/7। अच्छा 14, ये क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन 14/7 और ये क्या है 784। अच्छा 784 है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे x upon 2 स्क्वायर ना x upon 2 हाँ तो टू टू ओवर स्क्वायर हाँ x स्क्वायर है 49 और 16 अभी इसमें क्या करके दिखाऊं मैं 14/7। अच्छा अलग भी स्क्वायर होता है तो एक्स का वैल्यू क्या स्क्वायर 28 आएगा। अच्छा मतलब ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा ठीक है। 4 का स्क्वायर है 16, 7 का स्क्वायर है 49। आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट दोनों देखो दोनों का दोनों स्क्वायर है तो आप क्या करोगे 7 का स्क्वायर 49 तो यहाँ पे 7 लिखोगे, 16 है 4 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा 7 × 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे और एक्स स्क्वायर से जब जाते हैं तब प्लस माइनस दोनों आता है ना, सिर्फ प्लस आएगा क्या? प्लस माइनस दोनों आएगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस 28 माइनस 28 आएगा। सबका रॉन्ग हो गया यहाँ पे प्लस 28 माइनस 28 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो 7 और 4। जब स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का एक्स और माइनस बोला ना मैंने आंसर चेंज हो जाएगा अभी सबका। अभी देखो प्लस 28 माइनस 28 आ गया। अभी सेम यहाँ पे हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है मतलब 31 प्लस 5 − 3 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y square ठीक है मैं y 31 प्लस 4 कितना होगा 35 ठीक है 35 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 9 इक्वल्स टू 324 इनटू y क्यूब। अभी डिवाइड कर देंगे इसको 7 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 7 raised to 5 आएगा इनटू 9 इक्वल्स टू 324 इनटू y क्यूब। अभी ये क्या हो जाएगा x raise to 5 divided by y raise to 5 divided by y raise to 3 और ये 324 as it is होगा। ये क्या हो जाएगा डिवाइड होके नीचे आएगा ठीक है। जब भी a raise to m into a raise to n होता है तब क्या हम लिखते हैं a raise to m plus n, लेकिन जब a raise to m होगा divided by a raise to n होगा तब हम क्या लिखेंगे a raise to m minus n। ये फॉर्मूला है ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर डिवाइड है तो यहाँ पे ऊपर का क्या हो जाएगा माइनस होगा तो 5 − 3 होगा ना डिवाइड है यहाँ पे y raise to 5 divided by y raise to 3 तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
y रेस टू 2 होगा क्योंकि 5 माइनस 3 हो जाएगा m माइनस n, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2 होगा, तो y रेस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आएगा, जब स्क्वायर से y में जाएंगे तब क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर है 324 बोलो 36 नहीं 18 डिवाइडेड बाय 3 है, y इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस 6 आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा प्लस 6 एंड माइनस 6, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा प्लस 28 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 6, मतलब आंसर होगा सीएनडी सीएनडी। अभी किसी को डाउट है बोलो, ये भी आप लिख के रखो, हमेशा पता होना चाहिए वाला, आपको लिख के रखो ये वाला, डिवाइड होगा तब ऊपर का माइनस होगा। हाँ बोलो, इजी सर x square आया था तो x का सॉल्व किया और y का सॉल्व करते करते देख ले कि x square, y square आ रहा है, तो पता चल गया आंसर प्लस माइनस में आएगा, तो डायरेक्ट cnd लिखे तब भी चलेगा ना। हाँ, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, चलेगा चलेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों में एक प्लस एक माइनस है तो cnd ही आएगा। a raise to m into a raise to n क्या होता है a raise to m plus n, a raise to m divided by a raise to n होगा तब हम क्या लिखेंगे a raise to m minus n, लेकिन ये नीचे वाला सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नीचे का जो a है ना वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे y y सेम था x x सेम था, तो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, x और y नीचे सेम होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अलग 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 होगा तो नहीं कर सकते। मैम ऐसा क्वेश्चन तो पीओ में आता है। हाँ ये मैंने क्लर्क के लिए बोला ही नहीं, क्लर्क के प्री में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, मैंने पीओ के क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें था इस टाइप्स के क्वेश्चन, पीओ प्रीलिम्स में आ सकता है या क्लर्क मेंस में आ सकता है। यस मैम, एमपीएससी में भी पूछ सकते हैं, एमपीएससी यूपीएससी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम, डन मैम। नहीं मैम, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैम राइट साइड का मत कैंपफायर ऑफ करो। अच्छा ठीक है।
मैम हो गया। x square plus 14x minus 32 equals to 0, y square minus y minus 12 equals to 0. C and D, ma'am. और कोई find कर रहा है? No, ma'am. Minus 32 x के लिए C and D में? यहाँ पे minus है, यहाँ पे minus है. दोनों जगह पे माइनस है तो आंसर हमेशा सी एंड डी ही आएगा। कभी भी कोई भी वैल्यू होने तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, डायरेक्ट सी एंड डी लिख दो, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, देख के आंसर करना है। अगर वहां पर प्लस दिखा तो प्लस 12 तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला साइन मत देखो, ये वाला नहीं देखना, ये वाला जो साइन है ना, हाँ वो ही देखना है। मैम कोई और एक भी अगर देख के बता सकते हैं सेम भी है प्लस माइनस है? यही है जहाँ पे माइनस होगा वही होगा, और कोई नहीं है। दोनों जगह पे माइनस दिख रहा है डायरेक्टली सेम। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में मैम? ओके, ऐसा मैंने बोला था ना आपको, आया था ऐसा एग्जाम में, एक दो बार पूछा था ऐसा, एक दो बार आया था गलती से। एक्चुअली घाई घाई में क्लिक भी नहीं होता है इतना, ये होता ना कभी कभी क्लिक भी नहीं होता है, कभी कभी माइंड में अगर बैठ गया तो हम कर सकते हैं। मम्मी ये तो फेवरेट क्वेश्चन, हम तो इसी को ही ढूंढते, ये मिल जाए काश। x square plus, नहीं यहाँ पे minus है, minus 12x plus 32 equals to 0, y square minus 20y plus 96 equals to 0. X is less than is equal to y. Less than equals to y. अच्छा। X is less than equals to y. Less than equals to y. मल्टीप्लीकेशन 30 होना चाहिए, एडिशन 12 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 96 होना चाहिए, एडिशन 20 होना चाहिए। मैम एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। लेस देन इक्वल टू वाई, ओके सही।
सबका आया? मल्टीप्लिकेशन 30 हो लेकिन एडिशन क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 8 और 4 आएगा। माइनस प्लस का क्या होता है बोलो? प्लस प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे और भी इजी हो गया हमारे लिए। माइनस प्लस 8 और प्लस 4 हो गया। अभी देखो मल्टीप्लीकेशन 96 होना चाहिए लेकिन एडिशन 20 होना चाहिए। 12 इंटू 8 हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएगा 96, और दोनों का एडिशन हो जाएगा 20। और यहाँ पे भी प्लस प्लस आएगा, माइनस प्लस का क्या लिख देंगे? डायरेक्टली प्लस प्लस। अभी कंपेयर करो, ये हो गया एक्स एंड वाई। 8 में 8 से ज्यादा है, बड़ा है 12, दोनों का सब सब प्लस है तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लस प्लस यहाँ पे 8 और 12 बड़ा हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे दोनों का दोनों सेम है, यहाँ पे भी 12 बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे 8 बड़ा हो जाएगा। मतलब सब साइन आ गया, यहाँ पे ग्रेटर वाला आ गया और इक्वल वाला आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? y इज y है ना, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू x। इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इजी हो जाता है, जल्दी आता है फिर आंसर। ये चैप्टर अभी आपका खत्म हो गया, ठीक है? इतना ही रहता है ना, हो गया लेक्चर? लेक्चर नहीं हुआ है ये। देखो इसी टाइप में से आएगा, इसके अलावा एग्जाम में आपको कोई अलग नहीं पूछेंगे, टाइप सेम ऐसा ही होगा, फिर सिर्फ नंबर्स अलग होगा आपको एग्जाम में, बस और कोई डिफरेंस नहीं होगा। सब टाइप मैंने कवर कर दिया है, जो नहीं आता है वो भी कवर कर दिया। एक्चुअली वो नहीं आएगा ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है। वो जो हमारा एक्स रेस टू 12/7 वो सब है ना, वो उसका बहुत रेयर चांसेस होता है, क्योंकि न्यू चैप्टर है अभी। हाँ न्यू चैप्टर है, प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, मेंस में आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पूछ सकते हैं। आप ही बताओ चलो कौन सा चैप्टर लेना है। मैम जो भी इससे रिलेटेड होगा ना भाई। क्या क्या मतलब इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड होगा नेक्स्ट? इससे कोई रिलेटेड नहीं, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। हेलो मैम। हाँ बोलो। इवनिंग आफ्टरनून के क्या हुआ? एक मिनट डिंपल, क्या हुआ बोलो डिंपल? मैम वो डाउट में मतलब एग्जाम का ना बड़ा बिग अमाउंट ज्यादा बता रहे थे, तो इक्वल करना है। वो कौन सा वाला पूछ रहे हो, बोल रहे हो नंबर बताओ आप? पहले ना सेकंड वाला, सेकंड वाला लास्ट लास्ट वाला बोल रहे हो? अच्छा वो वाई का मैंने बोला था ना आपको कि सिर्फ वाई। अच्छा लेकिन मैंने आपको बोला था कि वहां पे सिर्फ वाई का ही है, एक्स का नहीं दिया आपने, और इतना बड़ा नहीं पूछेंगे। देखो ये क्या है, आपने दिया है वो वन, और आपने वाई का दिया ना, एक्स का दिया ही नहीं है यहाँ पे। वाई स्क्वायर है प्लस टू, अच्छा यहाँ पे क्या है प्लस 132। ये नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा बच्चे की जान लेना है क्या? नहीं पूछेंगे ऐसा, इसके पीछे मत भागो, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे। कैलसी लेके देंगे तो कर देंगे। हाँ कैलसी से कर सकते, कैलसी से नहीं होगा इतना,
लेकिन फिर भी ये वाला इतना बड़ा नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम लेकिन इसको बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। इसमें हम दो चार क्वेश्चन और कर लेंगे, ऐसा है मतलब एग्जाम में भी करना पड़ेगा। हाँ डिवाइड, ये लास्ट में पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड भी करना पड़ेगा। कैलसी में भी नहीं निकल पाएंगे। ये ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं पूछते एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड ही करो आप। आपने वो जो दिया था ना फिफ्थ वाला, मैंने बोला था वो भी आउटडेटेड है सिलेबस। हाँ क्या वो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? ये पूछेंगे नहीं देखो, आपने जो फिफ्थ क्वेश्चन बोला था क्यूब था उसमें x प्लस y का क्यूब, वो भी नहीं आएगा। वैसा भी क्वेश्चन, वैसा भी पैटर्न नहीं पूछते। ये वाला नहीं, ये वाला ऐसा नहीं आएगा कभी, ऐसा मत करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड करो तो ज्यादा अच्छा है ना। मेंस में भी ऐसा नहीं पूछेंगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। वो नंबर सीरीज में क्या होता है? नंबर सीरीज, हां नंबर सीरीज में नंबर्स होता है। देखो नंबर सीरीज ने आपने अटेंड नहीं किया है क्या? मैंने शायद मॉर्निंग में लिया था। अभी क्या करवाओगे मैम? कौन से चैप्टर्स करवाने जा रहे हो? सिंपलीफिकेशन शाम को होने वाला है। सिंपलीफिकेशन शाम को है, तो अभी क्या करवाओगे फिर? वही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर में नहीं हुआ है, वो ही लेने वाले। बोटन स्ट्रीम अभी इससे जो मॉर्निंग का लेक्चर है ना उसके बाद में बोटन स्ट्रीम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा 7 to 9 मॉर्निंग का बैच, वहां पे मैं बोटन स्ट्रीम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ले लूं ना। एसआईसी है, एसआई भी लेना पड़ेगा, दोनों साथ में है ना। ले लो अभी साइराज प्रॉफिट एंड लॉस मॉर्निंग में करवाऊंगी। हां क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप आफ्टर में ये रेशियो स्टार्ट कर दीजिए मैम। अभी ये बैच में नहीं हुआ है वैसा चैप्टर बताओ, मतलब ये बैच में नहीं हुआ है या तो बहुत लोगों का नहीं हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन ले लो। डीआई अभी नहीं ले सकते। डीआई देखो पोर्शन कवर होगा ना तो उसके बाद लास्ट में लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। डीआई वो तो मैं लूंगी, अभी नहीं ले सकते, वो लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि अभी डीआई रिसेंटली हुआ था, टाइम हो गया उसको, लेकिन फिर से ले लूंगी मैं। अभी नहीं ले सकते, अभी पूरा का पूरा पोर्शन कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही डीआई हो ले सकते। मैम रेशियो से स्टार्ट करिए ना, उसके बाद फिर परसेंटेज रेशियो ले लो ना मैम, फिर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से पूरा रेशियो, क्योंकि रेशियो के बेस पर है ना वो सारी चीजें, टाइम एंड वर्क परसेंटेज एजेस ये सारी चीजें। तो चलो ठीक है, रेशो लेना है बोलो सब। मैम एसआईसी लेना, वो नहीं हुआ है अभी। एसआईसी है? अच्छा एसआईसी लेना है। हाँ मैम ये कौन सा भी बैच में नहीं हुआ ना, मतलब हाँ नहीं हुआ, लेकिन टाइम हो गया बहुत, एक बार लिया था मैंने, टाइम हो गया उसको थोड़ा। हाँ एसआईसी लेना है फिर, रेशो अभी हुआ है। हाँ मैम चलो ठीक है एसआईसी है। मैम हाँ बोलो। ये जो अभी हम लोग ने चैप्टर पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ? तो क्लासेस में जो बुक मिले है ना उसमें तो मुझे चैप्टर ही नहीं दिख रहा है वो। अच्छा नहीं है क्या उसमें? क्लासेस के बुक में सिंपलीफिकेशन के भी क्वेश्चन है। मैं मतलब जो उसका टेक्स्ट दिया हुआ है ना उधर पे वो चैप्टर का नाम नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कुछ 15 चैप्टर्स है उसमें से एक भी नहीं है, मतलब नहीं होगा वहां पे कवर नहीं किया होगा। अभी मैंने एक्चुअली अच्छे से देखा ही नहीं कभी वो बुक, मतलब कभी देखा नहीं तो मुझे ज्यादा पता नहीं है क्लासेस के बुक में क्या है। चलो ठीक है ले लेते हैं, एसआईसी लेते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैम हम लोग का सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, मतलब अभी एक ही टॉपिक हुआ है, ले लेंगे पूरा, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो? मैं ले लूंगी।
पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? अभी तो आपका स्टार्टिंग है, क्या हुआ? हाँ, एसबीआई क्लर्क भी पोस्टपोन हुआ है, वो जुलाई जुलाई में हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं अभी फिर से पोस्टपोन होगा। 31 जुलाई को मेंस होने वाला था उनका, पोस्टपोन किया क्या पता, फिर पोस्टपोन हो गया है। प्रीलिम्स का तो पोस्टपोन हुआ ऐसा आया है। मैम फिर मेंस कोई डेट पे होगा? अगर बता नहीं सकते, पता है आपको क्या हुआ था लास्ट ईयर 2000? मैम म्यूट हो गया, म्यूट हो गया मैम। अरे यार मैम आवाज नहीं आ रही हो। मैम आप म्यूट हो कर क्या बात है, एक सेकंड है आप। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ चालू हुआ। चलो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 19th अप्रैल को समथिंग एग्जाम था एसबीआई का, मेंस का, एसबीआई क्लर्क का मेंस, और अचानक से उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद 20 या 21st अक्टूबर को ऐसा बताया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि 31st अक्टूबर को एग्जाम है। 10 दिन ही था, सिर्फ 10 दिन पहले बता दिया, उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ भी नहीं बोला, अचानक उन्होंने 10 दिन ही दिया मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो एसबीआई का कोई भरोसा नहीं है, एसबीआई कुछ भी कभी भी कर सकता है। बाकी सब हो जाता है ना, इंग्लिश ये सब तो जीए में लटक जाते हैं ना, जीए में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली वो ऐसा है कि ना, अगर आप कर भी लो ना पूरा का पूरा, 4 महीने का 5 महीने का कर लो ना, तो वो जंबल होने लगता है सब। हां मैम, वो डेट याद रखने का ये सब। हाँ, और ऊपर से स्टेट ऐसा ऐसा पूछते, स्टेट मतलब वो नहीं याद। एक्चुअली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है जीए का। रिवाइज रिवीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम जीए का एग्जाम क्या हुआ, जीए का भी मतलब जैसे मैथ्स वगैरह का एग्जाम होगा वैसे जीए का भी होगा? हाँ, जीए होता है ना, मेंस में जीए होगा, जनरल नॉलेज, मतलब वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स मतलब अभी क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, कितने मार्क्स होगा मैम? वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस आएगा आपको। और कट ऑफ कितना रहता है मैम इसका? सेक्शनल कट ऑफ? हाँ सेक्शनल, नहीं सेक्शनल जीए का देखो ही मत, देखो सेक्शनल 12, 13, 14, 15 इसके आसपास ही जाएगा, लेकिन ये कभी मत देखो। अगर ये देखोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जीए अच्छा होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, जीए बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको 30+ मार्क्स मिलना ही चाहिए, उसके अलावा अगर आपको 12-13 मिल रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ऐसा है। 30+ मार्क्स जीए में होना ही चाहिए आउट ऑफ 50, उसके लिए आपको 6 months का तो पढ़ना ही पड़ेगा, या तो 5 months का, 6 to 5 months का आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका 30+ आता है। तब भी 50 नहीं आएगा, तब आपका 30+ आएगा, 30, 32, 35, कोई कोई मतलब किस किस का इतना अच्छा होता है कि उनका 40, 45 तक चला जाता है उनका, वो बस जीए करते रहते, इतना जीए करते पूछो मत, दिन भर जीए। फिर से बताओ ना, नेटवर्क इशू हुआ। अच्छा जीए, जीए का मैं बता रही थी, जीए है ना वो मेंस में आता है ना, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स डेली होता है, तो वो कितने मार्क्स के लिए होता है? 50 मार्क्स के लिए होता है। क्लर्क का बता रहे हो, क्लर्क मेंस का, पीओ मेंस का मुझे लग रहा है 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और जो क्लर्क मेंस है वो 50 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से आपको 30+ आना ही चाहिए। यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखना है, अगर जीए में अच्छा मार्क्स है तब आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना कि वहां पे 1 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जीए में कर सकते हैं ना। जीए में क्या होता है, रट्टा मारना होता है, पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, जितना ज्यादा करोगे 30+ आएगा, तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 20, 25 से कम लाओगे, या तो 20 से कम लाओगे ना, तो सिलेक्शन का चांस नहीं है, चांस ही नहीं है सिलेक्शन का।
तो फिर आपका दूसरा चैप्टर मतलब ऐसा होना चाहिए कि आउट ऑफ मिलना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, वैसा क्वेश्चंस वो देते ही नहीं है कि आउट ऑफ मिले। किसका? जीए का बोल रहे हैं? जीए का। पीओ में 40 मार्क्स के लिए आ सकता है और जो क्लर्क मेंस होता है ना वहां पे 50 मार्क्स के लिए आएगा, मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे प्रीलिम्स में तीन सब्जेक्ट्स ही होगा, इंग्लिश होगा वहां पे, रीजनिंग होगा और मैथ्स होगा। लेकिन जीए जब आप मेंस देने जाओगे तब जीए होगा, मतलब करंट अफेयर्स। बैंकिंग के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए करंट अफेयर्स भी है, बहुत सारा चैप्टर्स है। एसएससी में तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जनरल स्टडीज भी होता है, जनरल स्टडीज भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, लेकिन बैंकिंग में करंट अफेयर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 6 मंथ क्या लिखा था मैम आपने? 6 मंथ्स तक करना है, 5-6 मंथ तक करना है करंट अफेयर्स। ओके। और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पता होना चाहिए आपको, जैसे कोई कैपिटल किसका है, मतलब कोई कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, वो 1 मार्क्स के लिए आएगा आपको। टोटल कंट्रीज कितना है, किसी को पता है क्या कंट्रीज कितना है टोटल वर्ल्ड में? अराउंड 195। कितना बोला? अराउंड 195। 195 अबाव ही है मुझे भी लग रहा है, क्योंकि देखो डब्ल्यू एच ओ में भी सब कंट्रीज नहीं है, देखा जाए तो कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि गूगल में भी ना ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। 195 से स्टार्ट है, 200 तक भी है, 200 से ज्यादा भी दिया है, अभी वो कहाँ से आया है वो पता नहीं, लेकिन मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है एग्जैक्ट कंट्रीज कितना है, 195 से तो ज्यादा ही है। 195 है मैडम? नहीं नहीं 195 शायद WHO जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वहां पे 190 है, लेकिन बाकी सब जो है वहां पे भी वो कैलकुलेट किया जाए तो 195 से ज्यादा हो जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं तो। और कंट्रीज का नाम भी ऐसा ऐसा भयंकर नाम देते हैं, वाह याद रखने के लिए बहुत गंदा नाम भी होता है उनका, करेंसी का भी नाम मैम 195 है मैं देखा गूगल करता। वो आपको ये नेपाल का तो पता होगा, भूटान का कैपिटल पता है? भूटान का अभी तक इंडिया के कैपिटल में घूमने नहीं पता है किसी को, नेपाल का तो पता होगा ना, थिम्पू है ना मैम, थिम्पू समथिंग, नहीं 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 वो थिम्बुक्तु दान का मैम, वो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, एन से है, एन बहुत प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं पता मुझे। नेपाल का काठमांडू है ना? काठमांडू नेपाल का है, भूटान का बोल रही हूँ, नेपाल का तो काठमांडू है। हाँ पर थिम्पू है मैम, थिम्पू। एनएल नहीं 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 वो करेंसी है शायद, वो नहीं नहीं वो भूटान का कैपिटल नहीं है, थिम्पू है मैम कैपिटल, एनएल समथिंग है, मैं टिक कर मुझे याद नहीं है प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मुझे। मैम आपको कौन कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ है? क्लियर नहीं हुआ मेरा, ये तो प्रॉब्लम है ना, मेंस क्लियर नहीं होता है मेरा सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर होता है। कौन सा दिया था मैम आपने, क्लर्क की पीओ? क्लर्क का भी दिया है, पीओ का भी दिया है, मेंस दिया है, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जी अच्छा नहीं है, इसीलिए जीए में मुझे बहुत कम मिलता है, नहीं अच्छा है जीए तो। जीए 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 क्या बोल रहे हो? जीए का बोल रहे हो क्या? हाँ जीए का ही बोल रहे हो। कितना अटेम्प्ट दिया मैम आपने? अटेम्प्ट नहीं, मतलब जितना भी एग्जाम आता है ना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, इंश्योरेंस का भी दिया है, इंश्योरेंस का आता है ना NICL, NIACL, LIC AO हो गया, LIC ADO हो गया, बहुत सारा दिया, RBI असिस्टेंट भी आया था बीच में, और SBI क्लर्क तो है ही, IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क, RRB PO हो गया, IBPS PO हो गया, SBI PO का नहीं, SBI PO थोड़ा टफ होता है, और कौन सा हो गया, और एक NABARD करके भी आता है,
और बड़ौदा का भी एग्जाम आता है, पता है ना, ऐसा एग्जाम जहाँ पे सिर्फ मेंस ही होगा, लेकिन वहां पे एक्चुअली बीओबी का था एक एग्जाम, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पीओ के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीओ के लिए होगा वो एग्जाम, डायरेक्ट मेंस होता है वहां पे, वहां पे डायरेक्टली मेंस होगा 200 मार्क्स का, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीजीडीएम पता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा मैनेजमेंट, वो सब होता है, तो उसके लिए आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा, ये पहले क्लियर करोगे, उसके बाद पीजीडीएम करना पड़ेगा, उसके बाद बैंगलोर जाओगे, वहां पे 2 साल पीजीडीएम करोगे, उसके बाद फिर से आओगे, फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो तो सब पानी में जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा होता है। पीजीडीएम का खर्च इन लोग करेंगे कि हमें करना होता है? नहीं, वो बताते हैं कि कहाँ पे जाना है, मतलब बैंगलोर में ही है वो, शायद बैंगलोर में जाके उनका ही रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आपको करना पड़ेगा पीजीडीएम 2 इयर्स का, पहले ये क्लियर करो, उसके बाद 2 इयर्स का पीजीडीएम करो, उसके बाद यहाँ पे आके इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, सब पूछेंगे। हाँ, ये एक्चुअली ये वाला जो मेंस होगा ना, डिफिकल्ट नहीं होता है, इसीलिए ये सब रखा है उन्होंने, ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्लर्क से पीओ तक का लेवल होगा, मतलब प्री वाला, इतना भी टफ मतलब इतना भी इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा, मॉडरेट लेवल मतलब आपको टफ नहीं होगा, ये इजी होगा, ये बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है, आप स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, फिर 100 अबव आराम से जाता है, 110 के अबव जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कट ऑफ हमारा कितना होता है, 80-90 के आसपास होता है नॉर्मल कट ऑफ, लेकिन ये 110 के ऊपर ही जाएगा, ओपन का बता रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 110 के अबव ही जाएगा, लेकिन इजी होता है ये वाला। लेकिन मैम ये किस बारे में बात बोल रहे हो आप? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, ऐसे 2-3 है, मतलब मुझे लग रहा है पीओ का, बैंक ऑफ इंडिया के पीओ का भी अलग से एग्जाम होता है, वहां पे आपको मेंशन किया जाता है कि आपको पीजीडीएम करना पड़ेगा, बहुत सारा है देखा जाए तो बैंक में। मैम एक बार में क्लियर होता है पीओ, मतलब प्री और मेंस दोनों भी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जीए अगर अच्छा होगा ना तो हो सकता है, भगवान का भरोसा रहेगा। अच्छा, थिम्पू है भूटान का कैपिटल, थिम्पू ही है भूटान का कैपिटल, थिम्पू ही है। कितना टाइम बाकी है? हाफ एन आवर। अच्छा, ऑफ इसमें तो सिर्फ बेसिक समझाने में। चलो फिर स्टार्ट करें क्या मैम? तब तक बेसिक का लेक्चर ले लो, हाफ एन आवर बेसिक का। हाँ, हल्का फुल्का जो भी ये रहेगा ना, जैसे शॉर्टकट ट्रिक ये सब बता देना, मतलब लेसन खत्म हो गया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया ना, इसके बाद एसआईसीएस स्टार्ट करने वाले थे, अभी हाफ एन आवर बचा है तो मैम कुछ बेसिक बता दो ना, बेसिक ही लेते चलो मैम इसका। एलसीएम सबको पता है ना, एलसीएम लेना है क्या फिर से? वो 41-60 वाला बताओ ना। हां 41-60। अच्छा चलो, वीडियो ढूंढा नहीं किसी ने तब तक। हाँ, अजय को याद है 41-60। आई थिंक मैंने, मुझे पता है, आई थिंक ये 16 से स्टार्ट होता है, फिर 16-17-18 ऐसे लिखना रहता है, ऐसे कुछ है ना मैम? हाँ ऐसा ही। हाँ मैंने इंस्टा पे देखा। 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50। ये स्क्वायर का बता रही हूँ, नहीं नहीं स्क्वायर बता रही हूँ। 40 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 1600।
1600 होगा, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करना है, 16 से स्टार्ट करना है। 40 का स्क्वायर 1600 है, हम किससे स्टार्ट करेंगे, 16 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और ये क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना है 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500। 50 का तो पता है, अभी नीचे से ऊपर जाना है स्क्वायर करके। किसका स्क्वायर, 1 to 10 का, 1 to 9 का। अभी देखो 0 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा 04, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 09। हाँ बोलो। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये हो गया स्क्वायर 41 टू 50। बहुत इजी है, रुक मत करना। नहीं 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 51 से लिखती हूँ, चलो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60। अभी देखो 41 का किससे स्टार्ट किया, कि 40 का स्क्वायर है 1600, तो स्टार्ट किससे किया, 16 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 16 सेम से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 50 का स्क्वायर है 2500, 2500 है 50 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, 26 से स्टार्ट करेंगे। वो याद रखना है, जब 41 का बात होगा तब 16 से स्टार्ट करोगे सेम, लेकिन 51 का बात होगा तब 25 है 26 से स्टार्ट करोगे। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे क्या होगा 35, 36 हो जाएगा, 35 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 00, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा जाते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते, 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर लिखते, लेकिन ये और भी इजी हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट जाना है, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बहुत इजी है वाला, बस आपको काउंट करना है। जैसे अगर आपको 47 पूछेंगे, आप स्टार्ट करोगे 16 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और लास्ट में पीछे से जाना है 1, 2, 3, मतलब 09, 2209। मैम यही नंबर का स्क्वायर पूछते हैं क्या, मतलब इसी में से? यही नंबर का नहीं, लेकिन हमें ये तो मिल गया ना, 41 टू 60 का ट्रिक मिल गया ना, तो इसमें से तो हम बता सकते हैं ना, इसी का ही ट्रिक है, और किसी का ट्रिक नहीं। वही 1600 से 25 के बीच में आएगा तो समझ जाने का इसमें कहीं। मैम आप वो जो कुछ एलसीएम का बता रहे थे वो बताओ ना, मतलब हम लोग का बेसिक नहीं हुआ तो आप थोड़ा बता दो। ये हो गया सबका। मैम और क्यूब का भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं क्यूब का नहीं, क्यूब का तो आपको फाइंड आउट, क्यूब देखो 60 तक नहीं करना होता है क्यूब, इतना कोई पूछता नहीं है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर ही मैंने बोला है, जो स्क्वायर है ना 1 to 60 कर दो, लेकिन क्यूब आप 1 to 20 करोगे ना तो भी इनफ है, 1 to 20 करोगे बहुत हो जाएगा क्यूब में ना। हाँ क्यूब में। ये हो गया,
मैम वो 21 से 30 का अगर हम लोग करना रहेगा या वही सेम ट्रिक यूज होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसीलिए तो 41 टू 60 का ही बोला ना, बाकी किसी का बोला 41 टू 60, 40 तक तो आपको बाय आउट करना ही पड़ेगा। ओके मैम, चलो रफ कर दूं, हो गया सबका? हाँ मैम हो गया। देखो और एक स्क्वायर का है, जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है? मैम थोड़ा आवाज कम नहीं था, आवाज कम आ रहा है क्या? 625 होता है। 35 का 1225। ये इसका ट्रिक मुझे पता है, 5 का लास्ट में 25 लिखा है और उसके बाद 3 × 4 उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो जब भी कोई 5 नंबर होगा ठीक है, लास्ट में 5 है, चाहे 45 होने दो, 55 होने दो, 65 होने दो, 105 होने दो, कोई भी है नंबर लास्ट में अगर 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 25 लिख दो, सबसे पहले लास्ट में लिख दो 25, ये लिख दिया। अभी फ्रंट में देखो हमेशा 25 ही लिखना है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, जब लास्ट में 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए बता रही ठीक है। अभी 3 के बाद बताओ क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद तो 3 × 4 करोगे, 3 × 4 कितना होता है 12, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1225। वैसे ही 45 का देखो, 45 का स्क्वायर कैसे आएगा, लास्ट में 25 लिख दोगे, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20, आंसर क्या हो जाएगा 25। फिर 55 का क्या आ जाएगा 25 के बाद होता है 6, 5 × 6 क्या हो जाएगा 30, और 25 as it is लिख देंगे। 65 का square क्या हो जाएगा फिर 40 × 25, 6 के बाद आएगा 7, 6 × 7 क्या हो जाएगा 42, और 25 as it is आएगा। 85 का बताओ 70 to 25, 8 × 9 कितना होगा 72, और as it is आएगा 25, तो 75 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 56 25। इतना टाइम क्यों लग रहा है, 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 7 × 8 कितना होता है 55, 56 और 25 आएगा 95 का बताओ 90 25 90 25, 9 के बाद आता है 10, 10 × 9 क्या हो जाएगा 90 90, और 25 as it is लिख देंगे। 105 का क्या आएगा फिर 11025, 10 के बाद क्या होता है 11 होता है, क्योंकि ये 5 देखेंगे, 5 के पहले देखो 10 है, 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, तो 10 × 11 क्या होता है 110 होता है, और 25 as it is लिख देंगे। सबको समझा? मैम ये कब किधर तक करना रहता है, मतलब ये लास्ट में 5 होगा, कहीं पे भी किसी का भी स्क्वायर हो लेकिन लास्ट में 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर का निकाल सकते हैं। मैम अगर अभी स्क्वायर रूट आ रहा है तो मतलब कैसे डिटरमाइन करने का कि, अच्छा स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप क्या करोगे 25 है ना, हाँ क्या लिख दोगे 5 ठीक है। अब ये देखोगे कि किसका आजू बाजू का नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा, लेकिन हम क्या करते हैं 3 यहाँ पे होता है उसके बाद बड़ा नंबर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे उल्टा जाएंगे छोटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। वैसे ही 45 का देखो 5 है, मतलब यहाँ पे देखो 2025, 25 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अभी देखो आजू बाजू का नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 20 होगा, 5 × 4 ही होगा, छोटा वाला लेना है तो यहाँ पे क्या लेंगे
फोर लेंगे ओके सेम 55 में मैम डायरेक्ट वो वाला बता दो ना उनको वो लास्ट में 25 रहेगा तो 5 किस चीज में आता है वो वाला स्क्वायर रूट अच्छा हां वो अलग वो तो अलग से बताना पड़ेगा देखो लास्ट में यहां पे 5 है 5 लिख देंगे 6 into 7 होता है 42 तो छोटा नंबर आएगा मतलब 6 आएगा 65 हो गया उल्टा भी कर सकते हो उल्टा भी आएगा ओके मैम मैम फिर से एक बार समझाओ ना ये वाला बोल रहे हो यस यस देखो लास्ट में 25 है ना 25 का 5 लिख देंगे अभी ये 42 को देखेंगे 25 छोड़ के जो भी वैल्यू रहेगा उसको देखेंगे आजू बाजू जस्ट एक का डिफरेंस होना चाहिए 6 into 7 होता है 47 6 into 7 अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 होता है लेकिन हम बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या करेंगे छोटा नंबर ही लेंगे ना क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया ये 6 हो गया इसीलिए 6 लेंगे 65 वैसे ही 85 में 7225 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा लास्ट में अभी 70 देखो तो एक का डिफरेंस होना चाहिए क्या हो जाएगा 9 into 8 होता है 72 लेकिन हम क्या लेंगे छोटा नंबर लेंगे मतलब 8 लेंगे 85 का हो जाएगा 85 था यहाँ पे ओके ओके समझो इसमें किसी को डाउट है अभी नो मैम और क्यूब का कुछ है क्यूब का नहीं है क्यूब रूट है स्क्वायर रूट का शॉर्ट स्टिक है बता दो ना मैम मैंने बोला ना क्यूब आपको ज्यादा करना ही नहीं है क्यूब आपको 20 तक ही करना है ज्यादा से ज्यादा वही मैं बोल रही हूँ 20 इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा ओके इसके बाद स्क्वायर रूट एलसीएम बताओ या स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताओ मैं एलसीएम बताऊं एलसीएम बताओ एलसीएम आता है स्क्वायर रूट मैम दोनों बता दो अच्छा ठीक है इतना टाइम एलसीएम खत्म हो जाएगा चलो फटाफट कर दो 3 6 एंड 8 इन तीनों का एलसीएम बताना है क्या हो जाएगा एलसीएम 3 नहीं थ्री नहीं होगा वो थ्री एक्चुअली HCl होता है वो अलग है HCF होता है वो तो अलग है एलसीएम पूछा है यहाँ पे एलसीएम का मतलब क्या होता है 24 जो तीनों के टेबल में आए तीनों के टेबल में आए 72 आना चाहिए नहीं इतना छोटा भी तो आएगा 16 होगा 16 थ्री के टेबल में आता है मैम 24 आ सकता है तीनों के टेबल में आएगा 24 ही सही एलसीएम है 24 सबसे कम वैल्यू है इससे कम कोई नहीं आएगा इन तीनों के टेबल में कॉमन ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो तीनों के टेबल में आएगा मतलब 3 का टेबल 4 का टेबल और 8 का टेबल तीनों में आना चाहिए और सबसे कम वैल्यू होना चाहिए और इसका एक ट्रिक है जैसे देखो 3 6 और 8 तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है आप क्या करोगे तीनों में से देखोगे तीनों में से कौन सा कट हो रहा है तीनों में देखो कौन सा वैल्यू है जो कट हो सकता है 3 and 6 और 8 कॉमन तीनों में कॉमन ऐसा एक वैल्यू जिससे तीनों का तीनों डिवाइड हो सकता है कोई भी नहीं होगा अच्छा नहीं, फिर नहीं। अगर 3 नहीं हो रहा है तो हम 2 में जाएंगे अगर तीनों का तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम कोई भी 2 देखेंगे 3 और 6 हो जाएगा 3 अच्छा तो यहां पे 3 लिख दो 3 * 1 होगा 3 3 into 2 होगा 6 और 8 नहीं होगा तो 8 को as it is forward कर दो गया अभी बताओ किससे divide होगा तीनों का तीनों नहीं होगा 2 से ये दोनों हो सकता है yes हाँ. तो 1 है वैसे भी 1 लिखो नहीं लिखो दोनों का मतलब सेम ही है चलो ये 1 हो गया 2 into 1 होगा 2 2 into 4 होगा 8 है ना बाकी कोई बचा नहीं है तो 4 को as it is लिख दो 4 into 2 कितना होता है 8 8 into 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आया हमारा LCM समझा ऐसे ही करना है देखो और एक वाले में 12 15 and 6 लास्ट का 4 बचे 60 सही है
तीनों का तीनों 3 से डिवाइड भी होता है ना, 3 से डिवाइड। अच्छा वो नहीं, वो डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट एलसीएम बताया, यहां पे क्या आएगा वैल्यू देखो, 12 15 और 6, तीनों का तीनों किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 4 3 5 3 2 3 5 3 2। अभी बताओ किससे होगा डिवाइड, एटलीस्ट दो, तीनों तो नहीं होगा, दो होगा, किससे होगा, 2 से हो जाएगा, 2 into 2 होगा 4, 5 नहीं होगा, तो उसको as it is forward लिखना है, इसको ignore नहीं करना है, 2 into 1 हो जाएगा। अभी ये दोनों का दोनों नहीं हो रहा है divide, अगर नहीं होगा तो as it is लिख दोगे आप, 2 and 5, 5 into 2 10 होगा, 10 into 2 20 होगा, 20 into 3 60 होगा, तो LCM क्या आ जाएगा, 6060। आपका सबसे मतलब करेक्ट एलसीएम आएगा ये वाले मेथड से, करेक्ट एलसीएम आएगा 7 8 and 12। इसका बता, क्या आएगा इसका,7 8 and 12। अभी ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी कभी भी कट नहीं होगा, ये कट होगा ही नहीं, तो हम इसको देखेंगे, इसको तो एज इट इज फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मैम आपका वीडियो लैग हो रहा है, क्या हुआ, हाँ हाँ वीडियो लैग हो रहा है, अच्छा लैग और ब्लर भी हो रहा है कभी कभी, 10 मिनट हो गया वैसे। अभी चल रहा है क्या, अभी ठीक है ना, हाँ यस मैम, ये देखो ये दोनों का दोनों 4 से डिवाइड होगा, 7 एज इट इज लिख दो, 4 into 2 और 4 into 3। अभी तीनों का तीनों किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो इसको लिख दो एज इट इज 7 2 and 3। 7 into 4 कितना होगा, 28 28 into 2 कितना होगा, 56 56 into 3, फिर से हुआ लैग, 160 मैम लैग हो रहा है, हाँ मैम अभी चल रहा है क्या, हाँ मैम अभी चल रहा है, आपका नेटवर्क व्हाइट येलो और रेड तीनों होता है, अच्छा हाँ वो नेटवर्क भी मालूम पड़ता है आपका वीडियो से, चलो ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा फिर, 168 आएगा ना एलसीएम सबका मल्टीप्लाई करके, यस अभी 8 9 and 16 8 9 16 इसका बताओ, 72 अच्छा 72 60
16 के टेबल में आता है। तीनों के टेबल में आना चाहिए। मैम नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। 144 मैम। 144 अच्छा देखते चलो। 8, 9 and 16 अभी ये 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते तो भी 8 से करोगे तो भी चलेगा। 8 है 8 into 1 होगा 8, 9 नहीं होगा डिवाइड, 9 को एज इट इज लिख दो इंटू 2 हो जाएगा 8 into 2, 9 into 8 कितना होगा, यहाँ पे 9 और 2 लिख दो, 9 into 8 कितना हो जाएगा 72, 72 into 2 क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा एलसीएम। 7, 13 and 4 नहीं ये हो जाएगा 6 ले लो बताओ। तीन का बोलेंगे ना यहाँ पे तीन है ना वैल्यूज, उसमें से दो वैल्यूज देखो 7 और 13 जो है ना प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कभी भी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर तो वैसा ही रहेगा, तो इसको हम क्यों डिवाइड करेंगे, ये तो अकेला बच्चा है किससे डिवाइड करेंगे, एटलीस्ट दो तो होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 13 into 7 कितना होगा 91 और 91 into 6 क्या हो जाएगा 546। समझा, दो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो प्राइम नंबर है, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट दो वैल्यूज तो चाहिए तभी डिवाइड करेंगे, अगर एक हो रहा है तो उसको क्यों डिवाइड करेंगे, उसको तो एज इट इज ले लेंगे, इसके लिए तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे एलसीएम 546 हो जाएगा। समझा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 into 13 into 6 वैष्णवी आपको समझा? यस मैम समझा। मैम और भी कुछ है क्या बेसिक में? एक और भी मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, वो मैं अलग से बताऊंगी। ओके मैम ठीक, ये समझा सबको एलसीएम का? यस मैम, कल हम लोग से बैंकिंग वालों को छुट्टी है तो आप सिखा दो ना बेसिक लेक्चर। कल छुट्टी है? हाँ क्योंकि हर फ्राइडे एसएससी वाले भी रहते हैं ना ब्रो। हाँ एसएससी का मैथ्स रहता है। सॉरी ब्रो। रोमांस। चलो ऐसे ये जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है ना मैं अलग से ले लूंगी एक दिन, ठीक है, जब भी लेक्चर में टाइम बचेगा तो 15-20 मिनट्स में हो जाएगा वो, इजी है वो वाला भी, इजी एक बार ले लेंगे, वही बच्चा बेसिक के लिए वही इम्पोर्टेंट है, वही बच्चा है। आवाज कम आ रहा है। बाकी जो रेशियो है ना वो तो रेशियो में अलग से हो जाएगा, जो रेशियो का चैप्टर है वहाँ पे भी 3 से 4 का मतलब ए और बी का दिया होगा और बी और सी का दिया होगा, सी और डी का हुआ दिया होगा, तो वो अलग से ले लेंगे रेशियो में। मैम तो हो गया ना अब लेक्चर? हाँ अभी। ओके मैम, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एसआईसीएल लेना है ना नेक्स्ट लेक्चर में? हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम। तो ठीक है एसआईसीएल ले लेते हैं, ठीक है मैम। एवरेज हुआ है क्या? एवरेज हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ है तो फिर से हो जाएगा। ओके मैम। ओके अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।